नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। जगह जगह पुलिस नाके लगाकर सख्ती के साथ वाहनों की जांच की जा रही है। रेवाड़ी की ज्यादातर सीमा हरियाणा बॉर्डर से लगती हुई, जिसकी वजह से यहां से रोजाना अवैध शराब की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए रेवाड़ी पुलिस भी इस पर विशेष नजर बनाए हुए है। इसको लेकर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा रेवाड़ी में दौरे किए जा रहे हैं। रेवाड़ी में पुलिस व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक उमेश शंकरता रेवाड़ी पहुंचे और रेवाड़ी SP योगेश दाभिज के साथ क्षेत्र में लगाए गए सभी पुलिस नाकों का निरीक्षण किया। नाकों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। शनिवार देर शाम SP ऑफिस में IG उमेश चंद्रता ने पुलिस जिले के सभी थानाधिकारियों सहित SP और ASP DSP की मीटिंग ली और चुनाव के संबंध में आवश्यक उचित दिशा निर्देश दिया, ताकि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। इस दौरान IG उमेश चंद्रता ने बताया कि भिवाड़ी की ज्यादातर सीमा हरियाणा से लगती है, इसको देखते हुए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। आपराधिक प्रवृत्ति के सभी लोगों को पाबंद किया गया। चुनाव के दौरान अवैध हथियार, अवैध शराब और तस्करों सहित अनेक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। लाइसेंस के हथियार भी जमा करने के निर्देश दिए गए। शहर से लगती हुई हरियाणा सीमा पर कच्चे रास्तों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बचकर ना निकल सके। जगह जगह पर गोपनीय रूप से CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिनका संपर्क सीधा कंट्रोल रूम से होगा। किसी भी अपराध पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए रेवाड़ी पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आसपास लगते अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेंज के। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण रहा है वो रहा है कि जो अवांछनीय गतिविधियां हैं, बेशक वो मादक पदार्थों से जुड़ी हुई हों, अन्य चीजों से जुड़ी हुई हों, उनकी धरपकड़ करना, दस्तयाबी करनी और उसी में संलिप्त जो भी किंग पिन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लाई जा रही। इसके साथ साथ आपके नए पुराने सभी जो नाकाबंदी पॉइंट्स हैं, आप देखते हैं सामायिक दृष्टि से आपका जिला बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें हमारी कल बड़ी डिटेल्ड एक विस्तृत मीटिंग भी हुई IG साहब साउथ रेंज रेवाड़ी के साथ, जहां पर उनकी तरफ से भी सभी SP साहबान मौजूद थे और वो भी बहुत सजग थे इन पहलुओं को लेकर। तो उनके साथ ये एक बहुत नई पहल है, जिसमें विगत दिनों में भी और आने वाले दिनों में सघन ज्वाइंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। उसके मायने ये हैं कि आइडेंटिफाई करके उसमें प्रॉपर होमवर्क करके जो धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है, तो आने वाले दिनों में उसको और गतिशीलता दी जाएगी। तो ये सारे मेजर्स हैं जो अभी चल रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा आगे पैनापन लाया जाएगा। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि बॉर्डर इलाके होने की वजह से राज्य जो अन्य जो राज्य हैं, सीमावर्ती जो राज्य हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन जो होता है वो राजस्थान पुलिस का नहीं हो पाता है। तो क्या कोई अहम उसके अंदर कोई निष्कर्ष को निकला उसके अंदर? नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप धरातल पे देखें आपके इस इलाके में जो विगत समय में भी मेजर अगर वारदातें या छोटी हुई हैं, उसमें बेहद अच्छा क्लोज टू क्लोज कोऑपरेशन रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके अगर कस्बे को ले लें या पास के इलाके को ले लें, तो इतनी आपस में करीबी है, जिसको लेकर के जॉइंट ऑपरेशंस या जो आपस समन्वय कंपल्सरी है, तो उसको लेकर बहुत अच्छा
अनुभव रहा है और उसको ही और आगे बहुत एक सुनियोजित तरीके से गतिशीलता देने हेतु कदम उठाए गए हैं। कल बड़ी विस्तृत इस बारे में भी हुई है ताकि इसको आगामी जो चुनाव का टाइम है उसमें किस तरीके से इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। बॉर्डर इलाका होने की वजह से सर क्या टास्क टीम को दिए गए हैं? टीम को बेहद बड़ा क्लियर स्पष्ट टारगेट ये दिया गया है कि किसी भी तरह की अवांछनीय मूवमेंट जो है उसको पूरी तरह से कर्व करना है, मैक्सिमम निरोधात्मक कार्रवाई और मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन है केसेस का, किसी भी तरह की जो इस तरह के पदार्थ की या किसी इस तरह की मूवमेंट जिससे कि कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को चैलेंज करने वाली किसी भी चीज जो है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। जैसा आपने कल भी देखा होगा आपके यहाँ पर पुलिस बेड़े ने सभी ने एक अभिनव पहल करते हुए जो सी विजिल ऐप को डाउनलोड किया उसके बाद पब्लिक में जाकर भी उसको एजुकेट करके किया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैयर है क्योंकि वो एक तरह से आंख और कान है सारे के सारे सिस्टम के इलेक्शन संबंधी, ताकि अगर कोई कहीं पे कोई ऐसी गतिविधि किसी के भी जनसाधारण में जहन में ध्यान में आती है उसको वो तुरंत कर सकता है और उसको एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण का कहा गया है माननीय इलेक्शन कमीशन द्वारा। सो ये सारे के सारे जो मेयर्स हैं और निश्चित तौर पे इन प्रभावी कदमों को और पैनापन लाया जाए। सर एक छोटा सा आपका ध्यान और केंद्रित करूँ आपको, चुनाव आयोग की तरफ से सख्त है कि किसी प्रकार के पॉलिटिशियन या किसी पॉलिटिकल प्रचार का नहीं होगा, सारी होल्डिंग हटा दी जाएंगी। अगर मैं भिवाड़ी धरातल की अगर बात करूँ तो भिवाड़ी में कम से कम 1500 से 2000 ऑटो चलते हैं जिसके अंदर 500 से अधिक ऑटो आज भी ऐसे जिसको इंदिरा रसोई से लेकर फ्री मोबाइल या फ्री सिलेंडर के इसके अंदर स्लोगन अभी भी आज तक लगे हुए। मैं लोकल जो DEO हैं और जो पुलिस अथॉरिटी इनके इमीडिएटली ध्यान में लाऊंगा ये वाली चीज। ये एक बहुत अहम पहलू जो आपने पॉइंट आउट किया, मैं इमीडिएटली जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं इमीडिएटली उनके ध्यान में लाऊंगा।